अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 22 रमज़ान मुबारक सबको। प्लीज़ मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। और आज मैं इफ्तारी में बना रही हूँ अचार गोश्त। बस इसकी मैं झटपटी रेसिपी शेयर करूँगी क्योंकि मेरी बहुत सख्त तबीयत आज ख़राब है। और इसके लिए जो है मैंने मटन लिया है और अदरक लहसुन पेस्ट, मसाले वही जो सालन में यूज़ होते हैं। ब्लेंडर में ये सारा मैंने टमाटर सब कुछ डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। बस इसको भून के मसाले शामिल करके और ये मिक्सचर शामिल कर लेना है और बस ये थोड़ा सा प्रेशर दे के ये रेडी। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला, बस यही मसाले डाले हैं इसमें मैंने। फ्रेंड्स वीडियो मेरी एंड तक देखिए देखिएगा क्योंकि मैंने आज जो है आप ईद की शॉपिंग भी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मेरा पार्सल आया है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भी अपना ईद का सूट दिखाऊं। बस ये झटपट मेरी इफ्तारी तैयार। बस सिंपल सी मेरी इफ्तारी, अचार गोश्त और मैक्रोनी। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए फ्लोरेंट की तरफ से आज मुझे ये पार्सल मिला है। वैसे मैं फेसबुक पेजेस से इतने मैं नहीं मंगवाती लेकिन इन पे मैंने ट्रस्ट करके ये सूट मैंने मंगवा लिए और यकीन करें मेरे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। वैसे हम पसंद कोई और करते हैं, मिल कुछ और जाता है, लेकिन ये जैसे दिख रहा था वैसे उससे भी ज्यादा खूबसूरत। तो मैं फ्लोरिन को थैंक्स बोलूंगी कि उन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सूट भेजा है। बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे ईद का गिफ्ट मिला हो। इसका लॉन इतना खूबसूरत, सॉफ्ट लॉन है इसका। इसके ऊपर काम देखिए, गोल्ड का काम हुआ है सारा। इसके ऊपर गोल्डन ब्लॉक प्रिंट है। ये रेड और ब्लैक पिक्चर में पिंक नजर आ रहा है लेकिन ये पिंक नहीं है, ये रेड है। रेड और ब्लैक और नीचे इसका बेस जो है ऑफ वाइट है। और फ्रेंड्स आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कलवंजी के फायदे की। तो आपने सुने ही होंगे, हदीस पाक में भी है कि कलवंजी में जो है मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जिसके ऊपर लाइनिंग की हुई है ये इन्होंने हमें ऑर्डर पे बनवा के दी है। हमने इनको बोला था कि हमें इस तरह जो है लाइनिंग बना दी, तो इन्होंने ये ऑर्डर पे हमें बना के दी है। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा दुपट्टा, दोनों तरफ इसके बॉर्डर बने हुए हैं और काफी बड़ा दुपट्टा है। तो अगर आपने भी ईद का सूट मंगवाना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, वाकई बहुत खूबसूरत सूट है। मुझे वैसे बहुत कम सूट ही पसंद आते हैं, बहुत कम। मैं बहुत मुश्किल से सूट सेलेक्ट करती हूँ। और फ्रेंड्स कलवंची का जो मैं आपको बता रही थी उसकी बस आपने थोड़ी सी चुटकी ले लेनी है और बस ऐसी पानी के साथ जो है रॉ खा लेनी है। हम चाय के साथ इसको लेते हैं डेली जो है, इतनी सी बस लेके और पी लेनी है। ओके फ्रेंड्स, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।